बहुत सारी लेडीज ये कंप्लेंट्स लेकर आती हैं कि उनके वजाइना के आसपास स्पेशली उनके बहुत अच्छे अच्छे अंडरवेयर्स पे कोई थिक दही जैसा डिस्चार्ज होता है, कभी बहुत ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है। ये फीमेल का डिस्चार्ज क्या सेक्स से रिलेटेड है, और अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, किस रंग का डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, सबके बारे में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूं वजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में। तो मुझे पता है आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली अपनी फीमेल पार्टनर्स, अपनी वाइफ को जरूर दिखाएं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे वजाइनल डिस्चार्जेस की। हम सबके वजाइना में से, बीइंग अ फीमेल, हम सबके वजाइना में से बिल्कुल पतला पतला पानी जैसा, कर्ड जैसा, या फिर हम बोलते हैं थोड़ा चिपचिपा फेविकॉल के जैसे हम बोलता है ना, वैसे वाला पदार्थ सा आता है। तो ये क्या कितना नॉर्मल है? बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको साइकिल के बिल्कुल पहले आता है, बाद में आता है, और उनका अंडरवेयर हमेशा गीला गीला या वेट सा महसूस होता है, जिसके लिए बहुत सारी फीमेल्स पैंटी लाइनर्स भी पहनती हैं। पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं? बिल्कुल पतले से पैड से तीन गुना छोटे पैड जैसी चीजें होती हैं जो आप उस पर रख सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट चलते फिरते आपका अंडरवेयर कहीं ना कहीं गीला ना हो सके। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या ये सेक्स के आसपास है, उनको सेक्स करने का मन करता है इसलिए आ रहा है? नो, एक्चुअली जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज है वो आपकी बॉडी में से जितने भी बैड बैक्टीरिया स्पेशली नीचे से वजाइना से जा रहे हैं उन सबको क्लीन करता है। आपका जो वजाइना है ना, इसके पास सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। मतलब अगर कुछ गलत उसमें चला भी गया है, कुछ बुरे बैक्टीरिया चले भी गए हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज के नाम पे उसको बाहर निकाल देता है। जैसे मान लो कोई घर की सफाई करता है, ऐसे में जो बाद में कूड़ा बच जाता है, आपने झाड़ू मारा तो कूड़ा आ जाता है, उसको आप क्या करते हो? निकाल के घर के बाहर कर देते हो। ऐसे ही वो घर के बाहर कर देता है, और यही जो वो बाहर करता है, दैट इज कॉल्ड दिस चिपचिपा डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज नॉर्मल है और इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने की तब ज़रूरत होती है जब ये डिस्चार्ज एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल देता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आपका अंडरवेयर बिल्कुल गीला होता जा रहा है 24 आवर्स से ज़्यादा, या फिर पहले होता था आप बिल्कुल सूखा अंडरवेयर, आपको लगता है वहाँ आपको इचिंग होती है, या फिर आप बोलते हो खारिश करने का जैसे मन कर रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, देन देयर इज समथिंग दैट यू शुड बी वरीड फॉर। मतलब आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगी डिस्चार्ज के कलर की। यूजली जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल ग्रे कलर से ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा वाइटिश कलर का होगा, जो यूजली हम सब फीमेल्स को होता है। जितना पीरियड्स के आसपास, मतलब थोड़ा सा उसमें ब्लड मिक्स जरूर जैसा हो सकता है, लेकिन अगर वो पीरियड्स के बिल्कुल बीच में, मतलब आपकी साइकिल के बीच में आपको रेडिश कलर का डिस्चार्ज या स्पॉटिंग फील हो रही है, तो समझ लीजिए कि दिस इज समथिंग यू शुड बी वरीड फॉर। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज ब्राउन कलर का आ रहा है, तो भी अगर वो पीरियड्स के आसपास आ रहा है, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ब्राउन तब हो जाता है जब आपका ब्लड थोड़ा सा सूख रहा है, या आपका वजाइना का पीएच यूजली एसिडिक हो गया है इस वजह से। अगर ये भी साइकिल के बीच में, मतलब 14-15 डेज के आसपास आ रहा है, तो फिर भी ये वरी करने का कारण है। लेकिन अगर आपका वजाइना डिस्चार्ज ब्लू, ग्रीन, येलो इन कलर का आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिस्चार्जेस कहीं ना कहीं साउंड करते हैं कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऑल्सो। तो बेटर ये है कि अगर आपको बहुत ही अजीब से कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। एक और बात करूंगी कि अगर आपको डिस्चार्ज कंटिन्यूसली थिक वाइट कलर का हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है नीचे, आप अंडरवेयर पहन भी नहीं पा रहे हो, और ये डिस्चार्ज कंटिन्यूसली बहुत ही मोटा मोटा सा हो रहा है, इसका मतलब ये है दैट इट कैन बी अ वजाइनल इन्फेक्शन। वजाइनल इन्फेक्शन बहुत इचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे वाली चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, देन व्हाई इट इज हैपनिंग। अगर अब मैं स्मेल की बात करूँ, तो यूजली जो वजाइना का स्मेल है, ये जो डिस्चार्जेस का स्मेल
स्मेल है, ये यूजली एक अजीब सा स्मेल होता है, कई लोगों को स्मेल पसंद भी होता है, दे लाइक इट, दे वॉन्ट टू स्मेल इट, लेकिन अगर ये स्मेल बिल्कुल ही फ्रूटी सड़ा हुआ जैसा स्मेल आए, पंजेंट जैसे फिशेज मार्केट में स्मेल आता है वैसे वाला स्मेल आए, देन इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल वैजिनोसिस, मतलब ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जहाँ पर कुछ गंदे बैक्टीरियाज आ गए हैं और हमें डॉक्टर से मे बी अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और समथिंग कैन हेल्प। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यही ब्लूइश ग्रीनिश डिस्चार्ज अगर काफ़ी समय से आ रहे हैं और इसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन, इचिंग और शरीर में वीकनेस फील हो रही है, देन इट कैन बी ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जब आपकी बॉडी में से बहुत सारा डिस्चार्ज पास होता है जो कि आपको एक्चुअली खुजली देता है, इचिंग देता है, आपको वीकनेस फील होती रहती है, हमेशा ही आपको लगता रहता है मैं बह रही हूँ, देन इट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो टू अ डॉक्टर फॉर। ल्यूकोरिया के लिए बहुत सारी आयुर्वेद सप्लीमेंट्स, बहुत सारे फेक डॉक्टर्स, क्वैक्स हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अपने सही गायनेकोलॉजिस्ट को जाके इस प्रॉब्लम का समाधान लें। मेडिसिन हो सकता है लंबे समय चलें, डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया, डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन अराउंड योर वजाइना। अगर आपको इस तरह के वजाइनल डिस्चार्ज फील हो रहे हैं तो जानिए कितने नॉर्मल और कितने अबनॉर्मल। नॉर्मल होना इज़ एब्सोल्युटली ओके, हम सबको होते हैं, मुझे भी होते हैं, हर फीमेल को होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके कलर, एक्सटेंसिव डिस्चार्ज, कितना ज़्यादा कितना कम, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है और कब डॉक्टर के पास जाना है, दैट इज़ ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ साथ हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ कंटेंट लेकर मैं आपके साथ आ रही हूँ। कोई और टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और हमारी आने वाली वीडियोस का इंतजार करने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें।